टीवी, सच साहस सरोकार। दल बदल कानून लागू नहीं होगा क्योंकि 11 में से 8 टूटे, 3 गलतियों की वजह से फूट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात में पकड़ी पाकिस्तानी नाव अल तैसा, 200 करोड़ की हीरोइन भी बरामद। एलएलबी में अभिराम और बीकॉम में श्लोक राज बने टॉपर, 16 से होगी काउंसलिंग। स्पॉट की लिस्ट में विप्रो पेस्ट्री जैसी बड़ी कंपनियां, लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं। आरोपी को जमानत देने की शर्त रखी, 2 हफ्ते तक शराब के नुकसान बताने वाले पर्चे बांटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए रुख करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर के कुरेभार थाना क्षेत्र में एक ट्रक का टायर फटने से बड़ा सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रक का टायर फटने से अनियंत्रित ट्रक एक दूसरे ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद ट्रक चौराहे की एक दुकान में जा घुसा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतकों के शव को बाहर निकाला, साथ ही घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहीं इस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया और शोक संवेदना प्रकट कर गहरा दुख जताया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने और जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अभी सुबह जो है कूड़ेभार कस्बे में कोई ट्रक जो था वो किसी दुकान से लड़ गया और उसके फलस्वरूप वहाँ से जो आए थे तो 2 लोग तो वहाँ से ब्रॉड डेड ही आए थे, तीसरे व्यक्ति यहाँ आते आते डेथ हो गई और 3 लोग जो बहुत सीरियस थे उनको अभी लखनऊ रिफ़र किया गया है। एक आदमी हमारे पास अभी भर्ती है, ठीक है कंडीशन। कूड़ेभार कस्बे में 2 ट्रक टकराई, फिर एक चाय की गुमटी में घुस गई, वहाँ पे दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, एक यहाँ अस्पताल में आकर मृत्यु हुई है। 1 लोग को रेफ़र कर दिया गया लखनऊ जो ज़्यादा घायल थे, 1 लोगों को अभी रेफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा 2 और लोग एडमिट हैं जिनका उपचार यहाँ पे चल रहा है। डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, लगातार उपचार की जा रही है और जो मृतक हो गए उनका पंचनामा भरा जा रहा है और यथाशीघ्र उनका PM कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। इस सर्वे में चौंकाने वाली बात यह है कि सर्वे में पहला मदरसा ही गैर मान्यता प्राप्त मिला है। वहीं जांच की टीम का कहना है कि शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपको बता दें कि 1992 में से यह मदरसा बिना मान्यता प्राप्त से चल रहा है। सर्वे में जनपद में कुल 37 मदरसे मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। सर्वे के लिए गठित टीमों ने सर्वे शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि इन मदरसों में महिलाओं और बच्चों का ऊपरी इलाज भी होता है। जांच में यहाँ पे ये पाया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, उसका सत्यापन जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से कराया जाएगा। यहाँ पे 95 बच्चे जो है अध्ययनरत हैं, जो यहाँ पे आवासित होकर के रहते हैं, उनके शिक्षा रूम का और जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं दोनों का निरीक्षण किया गया। साथ ही में शौचालय, पेयजल आदि का भी निरीक्षण किया गया। बाकी सब चीज़ें साफ सफाई और उस जो अध्ययन रूम है उसमें और जहाँ पे ये आवासित हैं सामान्यतः संतोषजनक पाई गई। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल जुड़ रहे हैं। विशाल, पहला ही मदरसा गैर मान्यता प्राप्त पाया गया है और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? मैं आपको बता दूंगा, जनपद बुलंदशहर के जैनपुर गाँव में एक बिना मान्यता मदरसा चल रहा था जो 1992 से बिगर मानता से चल रहा था, जिसमें कि वहाँ जो देखा गया कि मदरसे में महिला और बच्चों का ऊपरी इलाज किया जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल जानकारी देने के लिए।
हमीरपुर में शासन के दिशा निर्देशों पर संचालित हो रहे मदरसों की जांच शुरू हुई। वहीं जांच के तहत टीम ने मोदाहवा कोतवाली कस्बे में संचालित मदरसे की जांच की और जांच में यह मदरसा फर्जी तौर पर संचालित पाया गया। आपको बता दें कि मदरसा साल 2010 से बिना रजिस्ट्रेशन के पूर्ण रूप से संचालित होकर बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। फिलहाल जिले के सभी मदरसों की जाँच चल रही है। जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक शासन को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद शासन के दिशा निर्देशों पर फर्जी मदरसों पर कार्यवाही की जाएगी। आज शासन के आदेशानुसार जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी जांच करने के लिए मैं आया हूँ। ये जनपद का पहला मदरसा जिसमें मैंने जांच की है। आज मेहता साथ में मेरे साथ SDM मोहदा सर थे, जो भी जाँच करके निकल गए हैं। किस तरह की जाँच हो रही है? क्या जो कहीं से भी एफिलेटेड नहीं है, ना तो कहीं भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, ना SCBSE से है, या फिर मदरसा शिक्षा परिषद से कहीं से भी मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे मदरसों की जांच थी। सर, आज इस मदरसे में क्या पाया गया? मैंने पाया कि यहाँ पर 97 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कुछ बच्चे लखनऊ बहराइच के बाहर के भी हैं, एक टीचर भी बाहर के हैं, और ये मदरसा 2010 से संचालित है, लेकिन इनके द्वारा कभी भी मान्यता लेने का प्रयास नहीं किया गया, ना इनकी मान्यता है। तो जो बच्चों की शिक्षा का अधिकार है, उससे ये लोग वंचित कर रहे हैं बच्चों को। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जुड़े हैं। ब्रिजेश, शासन के दिशा निर्देश पर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, तो हमीरपुर में क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, हमीरपुर जिले में शासन के दिशा निर्देश पर यहाँ की जो टीम है, उस टीम ने यहाँ के मोदाह कोतवाली कस्बे में ये जांच पड़ताल शुरू करी है। यहाँ पे मोदाह कस्बे में जो मौलाना सिद्दीकी अहमद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी नाम से मदरसा संचालित था, यहाँ पर कल टीम ने जो है जांच करी है। तो ये जांच में स्पष्ट तौर से साफ पाया गया है कि ये मदरसा 2010 से फर्जी तरीके से चल रहा था। इस मदरसे ने कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं करी है। ये शिक्षा विभाग के साथ लंबे समय से खिलवाड़ कर रहा था, जिसके बाद यहाँ की टीम ने इस पर छापेमारी करी है और यहाँ की जाँच पड़ताल करी है। अब इसके बाद ये जो पूरी जांच रिपोर्ट है, ये 5 अक्टूबर तक जो है यहाँ के जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये जिलाधिकारी इसकी पूर्णतः जांच 25 अक्टूबर तक शासन प्रशासन को भेजने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजेश। कानपुर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए टीम गठित की गई। टीम ने अब तक गैर मान्यता प्राप्त 23 मदरसों की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। आपको बता दें कि टीम ने ADM के निगरानी में बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और SDM टीम शामिल है। वहीं 25 अक्टूबर तक DM के माध्यम से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। लखनऊ में सपा विधायक प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर सपा कार्यालय से धरने के लिए पैदल विधान भवन की ओर निकले। इस दौरान पुलिस ने विधायकों को रोकने के लिए घेराव किया। इस बीच पुलिस और विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। आपको बता दें कि पुलिस लगातार विधायकों को रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस और विधायकों की झड़प के बाद प्रशासन की ओर से ECO गार्डन में प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस विधायकों को लेकर ECO गार्डन पहुंची। वहीं बता दें कि ये प्रदर्शन 18 सितम्बर तक चलेगा। देवरिया के पोटवा ग्राम में निर्माणाधीन राजकीय ITI का निरीक्षण करने पहुंचे DM, जहां मौके पर निरीक्षण के दौरान निर्धारित सामग्री में कमियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही जांच समिति का गठन भी किया, जो इस पूरे परियोजना की अब तक की प्रगति पर अपना रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि इस परियोजना की लागत लगभग 12.60 करोड़ रुपए की है। राजकीय ITI बन रहा है, जो शासन की योजना है कि असेवित ब्लॉकों में ITI भी हो। उसी क्रम में जनपद देवरिया में ग्राम दिघवा पोटवा ब्लॉक देसई देवरिया में एक महत्वाकांक्षी योजना है शासन की, करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से। ये परियोजना जनवरी 22 में प्रारंभ हुई है और ये अगले 2 वर्षों में कम्प्लीट करनी है। उसी के आकस्मिक सत्यापन के लिए मैं आया था। इसमें जो XCN है, UP राज्य निर्माण सहकारी संघ, वो बना रहे हैं। जो निर्माण की गुणवत्ता है, उसमें कुछ कमियां बिल्कुल साफ हैं, जैसे कि शटरिंग में उन्होंने शटरिंग मटेरियल की बजाय ईंटों का इस्तेमाल किया, जो कि अलाउड नहीं है। उससे वाइब्रेटर भी नहीं चला सकते वहाँ पे। और इसके लिए सभी स्तरों पर दायित्व निर्धारण के लिए, जो मेरे स्तर से हो सकेगा यहाँ पर,
और शासन में सहकारिता विभाग में माननीय प्रमुख सचिव महोदय वगैरह को मैं अवगत कराऊंगा ताकि इनको सबक मिल सके। खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि रावत जुड़ रहे हैं। रवि, निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई में जांच किया गया जिसमें अभी तक अधिकारियों को फटकार भी लगाया गया, और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दें कि देवरिया जनपद के देसाई ब्लॉक का मामला है जहां निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई का डीएम ने ताबड़तोड़ एक्शन किया और इस एक्शन में डीएम को ईट और मकान में कई खामियां मिली और जिसमें अधिकारियों को फटकार भी लगाई और जांच टीम भी गठित कर दिया गया। आपको बता दें कि इस परियोजना का लागत लगभग 12 करोड़ से ज्यादा है और डीएम ने सख्त रूख अपनाते हुए कई अधिकारियों से कार्रवाई की, जांच टीम गठित कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जानकारी देने के लिए। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। आपको बता दें कि खुले में रखे ट्रांसफार्मर से करंट की चपेट में आने से कबाड़ बिनने वाले युवक की मौत हो गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई जिस पर गरीब युवक को नशेड़ी और चोर बताकर कोतवाली ने उल्टा प्रार्थना पत्र दे दिया गया। खबर गाजीपुर के मेदनीपुर इलाके से है जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मौके से दो बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों को कब्जे में लेकर लूट का ट्रक समेत 20,000 किलो लोहे का सरिया भी बरामद किया है जिसकी कीमत लगभग 16 लाख बताई जा रही है। प्रयागराज में हनुमान मोरी में कार सवार दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। आपको बता दें कि दबंगों ने पत्रकार के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे जिसके बाद तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने मासूम बच्ची को टक्कर मारी और फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है जिसके बाद पत्रकार ने करछना थाने में लिखित में तहरीर दी है। बाजार के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं स्वाभाविक तौर पे कहते हैं खबर जैसे ही मैं उतरा खबर बनाने के लिए तो वहाँ पे एक मोनू नाम का है, उसने कहते हैं ललकारा कि ये वीडियो बना रहा है और आकाश जो कि वहीं पे विवाद कर रहा था वो दौड़ करके आया। इनके साथ में एक मुन्ना है, उनका रियल नेम नहीं जानता, और वो लोग आ करके इनके साथ 3-4 लोग और थे, इन्होंने पहले मेरा मोबाइल छीन लिया, उसके बाद इन्होंने कहते हैं मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसके साथ मेरे साथ मारपीट की है जिसका सीसीटीवी भी मैंने थाने में दिया है। मतलब समोसा खा के आ रहे थे ऐसे गोला, मतलब गोला टाइप में हम लोग बनाए थे, तो पता कहाँ से दुष्ट आके इतना तेज गाड़ी चला कि कभी जिंदगी में हम नहीं देखे थे, इतनी बड़ी हो गए। आए ऐसे इनके टेम्पो में आके से लड़ के इसके पास आके से ये लेट गए, ये टायर से चकरा के हो गया, हम लोग उठा के घर पे ले आए तो यही हालत। यूपी के महाराजगंज से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव के कुछ लोगों ने लड़की से पिटाई की और छेड़छाड़ की जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद सीओ सदन ने वायरल वीडियो की जांच की और आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की के हाथ बंधे हुए हैं और जमीन में पड़ी दिखाई दे रही, इस विषय में मेरे द्वारा जांच की गई। उक्त मामला गुगली थाना क्षेत्र के पकड़ी भूषणपुर का है, पूर्व में भी इन्हीं इसी लड़की के साथ मारपीट, घर में पत्थर फेंकने आदि के संबंध में मुकदमा दर्ज था 323, 506, 336 आईपीसी की धारा में। आज पुनः उन्हीं अभियुक्तों द्वारा उस लड़की के साथ मारपीट की गई, छेड़छाड़ की गई और हाथ बांध दिए गए। इस मामले में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध करेट मिलने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अमेठी की पॉलिटेक्निक चौराहे में एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। घर में ही दुकान होने से पूरा परिवार आग की लपटों में फंस गया जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से परिवार को बाहर निकाला गया और वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।